शाही पनीर बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। और ये 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। 1 इंच दालचीनी डाल दी है। और ये 4 से 5 हरी इलायची डाल दी है। और ये मैंने 6 प्याज को कट करके डाल दिया है। ये मैंने 6 पीस प्याज के लिए हैं, उसको मैंने कट करके डाल दिया है। ये मैंने अदरक डाल दिया है और लहसुन डाल दिया है। और ये 10 से 12 पीस मैंने काजू को डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे। ये 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी है, ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिला दिया है। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप लाल मिर्च पाउडर और डाल सकते हैं। और ये मैंने 10 से 12 टमाटर काट के डाल दिया है। ये इसको हल्का नरम होने तक भूनेंगे। ये मैंने नमक डाल दिया है। अब इन चीज़ों को पकने के लिए 2 से 3 मिनट तक हम पैन को ढक देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए अच्छी तरह से सारा मिश्रण तैयार हो गया है। अब इसे हम जार में लेके इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसे हम छन्नी से छान लेंगे। ये मैंने छन्नी रख के मसालों को अच्छी तरह से छान लिया है। ये देखिए फाइनली हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। कढ़ाई में अब हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच बटर डाल दी है, 1/2 मैंने हरी मिर्च लंबी लंबी पीस करके डाल दी है। और ये अदरक भी मैंने लंबा पीस करके डाल दिया है। इसे थोड़ा सा भून लेंगे। और ये पनीर के क्यूब्स डाल देंगे। मैंने पनीर में यहाँ टोफू लिया है। ये देखिए हमारे अच्छी तरह से पनीर तल उठी है। अब इसे हम पलट देंगे। और ये हमारी जो ग्रेवी हमने तैयार की थी उसे डाल देंगे इसमें। और अच्छी तरह से मिला देंगे। इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें मैंने 1 कप मलाई डाल दी है। ये मलाई मैंने घर पे तैयार की है। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसे हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारी शाही पनीर बनकर तैयार हो गई है। इसमें मैंने हरी धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। अब इसे प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए हमारी शाही पनीर
बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप इसे पराठा नान के साथ सर्व करें। इसमें मैंने हरी धनिया के पत्ते डाल दिए हैं और ये थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दिया है। परफेक्ट, हमारी शाही पनीर बनकर तैयार हो गई है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए और खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।